तो आज हम लोग संगोली रायना के लास्ट क्रॉस में है। तो इनका कहना है कि एक सांप को देखा है इन्होंने, तो जैसे कि आप यहाँ पर एक पाइप भी देख सकते हैं, तो इस पाइप में सांप को देखा गया है। तो अभी लगभग जो भी यहाँ पर ईंट वगैरह डाले थे हमने निकाले हैं, अभी इसके बाद थोड़ा यहाँ पर काम करके सांप को बाहर निकालने के लिए हम लोग अंजाम देंगे। है नहीं? 12-15 साल हुआ सांप काटा था। तो यहाँ पे भी हम लोग उस जरिए से यहाँ पर इसका एक पाइप का कनेक्शन है, अगर से इसको निकालने के बाद हमें यहाँ पे एक पाइप का एक फेस भी दिखाई देगा, तो इस जरिए हम लोग यहाँ पर पानी डालने के बाद हमें सांप को पकड़ने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये मेरे भाई है इम्तियाज, तो इन्होंने काम यहाँ पर स्टार्ट किया है वे, और ये सारे बच्चे हैं यहाँ पर जो तू भी यही देख इसमें तो ये सारे बच्चे हैं यहाँ पर जो खेलते हैं, तो इनको एक डर भी है कि सांप कहीं इनको लड़ ना ले। वो फोड़ा ले गए, तो आखिर तक जुड़े रही है। तो काम कैसे क्या हम लोग करेंगे यहाँ पर, कैसे काम को अंजाम देंगे और सांप को कैसे रेस्क्यू करेंगे, इसके बारे में आपको डिटेल्स में बताऊंगा। ಇಲ್ಲೇ ಐತ್ರಿ ಅದ್ರ ಬಾಯಿ ಅಬ್ಬಿ ಯಾ ಇಷ್ಟ ಆಗರ ಬಾರ್ ಗಿರ್ಸಿ ಖೋದನಾ ಓ ತಬೀತ್ ನಾ ಬಾರ್ ಲೇ ಗೇ ಆಪ ಲೇಗೋ ತೋ ಯಾ ಪೇ ಇಸ್ಕಾ ಮುಖ್ಯ ಭಾಗ ಮಿಲ ಹೈ ಹಮೇ ಇಸ್ ಪೈಪ್ ಕಾ ಉಸ್ ಜರಿಯೆ ಸೇ ಯಾ ತಕ ಹಾ ಓಕೆ ಠೀಕ್ ಹೈ ಅಬ್ಬಿ ಸೇ ಪಾನಿ ಯಾ ಸೇ ಡಾಲ್ನಾ ಆ ರಹಾ ನೇ ಪಾನಿ तो एक आज संगोली रायना नगर का एक नाग सांप को हमने यहाँ पे रेस्क्यू किया है। इसमें जहर होता है वो न्यूरोटॉक्सिक होता है, और घर के आसपास में ये चूहा और मेंढक खाने के लिए कभी भी घरों के पास में आया जाया करते हैं। तो अभी गर्मी का सीजन है, तो इसको धूप से बचने के लिए छांव में आ जाता है सांप। पर तो और जो हम वीडियो बना रहे हैं एक हिने स्पेक्टिकल कोबरा के साथ में, जिसको हम लोग कन्नड़ा में नागराम के नाम से जानते हैं और हिंदी में नाग सांप के नाम से जानते हैं। मैं अपनी गलती की माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि मैंने शूज़ नहीं पहने, चप्पल पहने, क्योंकि आज फ्राइडे था तो नमाज के जाने के हालत में आया था, तो यहाँ पे कॉल आने के बाद रेस्क्यू का इस वजह से शूज़ नहीं पहन पाया। हाँ, तो चलिए ठीक है, मैं उसको अभी बिना देरी करे यहाँ से इसको पैक कर लेता हूँ, और उसके बाद इसको जंगल में भी छोड़ देंगे, क्योंकि गर्मी का सीज़न है तो सांप कभी भी बहुत घबरा जाते हैं, और इसकी ज़्यादा गर्मी की वजह से मौत भी हो सकती है। तो मुझे एक चॉकलेट का डब्बा दो। नहीं जो देखो अभी गली बच्चे घर और सांपा मेंढकियाँ चूहे हाय कर को बोलेगा तो सांपा गाँव वाले तो भी आने वाले, इसमें कत्ता भी छुपा हुआ है। हाँ करता है तीसरा
तो एक जो सही से एक्सपर्ट होता है स्नेक रेस्क्यू करने वाला, तो उसके लिए एक आसान सा तरीका होता है। अभी बहुत सारे से नए से रेस्क्यूअर आए हैं जो बिना सांप को पहचाने, बिना जाने सांप को कभी भी कहीं पे भी रेस्क्यू करते हैं, और उसमें वेनम है या नहीं है ये भी पता नहीं होता है, तो पकड़ लेते हैं। तो बाइट होने की वजह से बहुत सारे लोग अभी मौत के कगार पर है। तो ऐसी गलती बिल्कुल भी ना करें जो हमें देखकर कॉपी करते हैं। हम जो कर रहे हैं वो एक बहुत एक्सपीरियंस के हिसाब से कर रहे हैं। तो ऐसे सांपों से थोड़ा दूरी बना के रखिए। सबसे पहले आपके घरों के पास में सांप आए तो हमें तुरंत कॉल कर लीजिए, क्योंकि हमारा नंबर आपको हर तरफ मिल जाएगा। तो फिर भी एक बार नंबर बोल देता हूँ, 9036522941। इस नंबर पे आप 24x7 days अभी कभी भी कॉल कर सकते हैं, क्योंकि दिन हो या रात तो हमारा एक काम है। तो इसको हम रेस्क्यू करके फिर से एक अच्छे से जगह में, जो जंगल की झाड़ी के जगह में छोड़ देंगे, तो ये अपना लाइफ को सर्वाइव कर पाएगा। तो इसको अभी मैंने यहाँ पे पैक किया है। तो ऐसे ही मेरे वीडियो देखते रहे, शेयर करते रहे, लाइक करते रहे। तो मैं मिलता हूँ आपको फिर से मेरे दूसरे वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद।